सो दोस्तों, हमारा ये टूर चालू होता है गोंदिया से। शुभम भाई थे, उन्होंने हमको ड्रॉप कर दिए थे रेलवे स्टेशन। दोस्तों अभी हम नागपुर के स्टेशन में आ गए हैं। नागपुर के स्टेशन में मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया है और मेरी बहन आई है। यहाँ से हमारा सीधा स्टॉप रहेगा डायरेक्ट मुंबई में, हम 7 बजे उतरेंगे। ये मेरी बहन, ये है काव्य और ये मेरा भाई। हाय कर दो। हाय। तो दोस्तों हम नागपुर से जाने वाले हैं डायरेक्ट मुंबई बाय ट्रेन। भैया मुंबई मेरी जान और ट्रेन का सफ़र काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और हम जब निकल चुके हैं बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रेश फील हो रहा था और बहुत इंतज़ार था कि कब हम गोवा पहुँचते। दोस्तों मैं अभी मुंबई पहुँच गए हैं, मतलब और यहाँ से आधा घंटा लगेगा हमें। यहाँ से हम जाने वाले हमारे दीदी के यहाँ, वहाँ थोड़ा स्टे करेंगे, थोड़ा मुंबई दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे हम गोवा के। आराम से बैठे हैं, हम यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली ट्रेन चल नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम है शायद, इसलिए रुका है। यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप डायरेक्ट वीटी ही है, वहाँ पे हम उतरेंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे और थोड़े से झलक भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं वीटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। और दोस्तों हम लोग उतर गए हैं ट्रेन से और जा रहे हैं अभी स्टेशन के बाहर। काव्या ने एक बैग पकड़ी है और मैंने भी एक बैग पकड़ा है। थोड़ा सा चाय पियेंगे भैया, चाय की थोड़ी तलब आ गई है। आ जाओ आप लोग भी। एग्जिट फ्रॉम मुंबई, ये पूरा एक्चुअली वेटिंग एरिया है, काफ़ी अच्छा बन गया है ये। और टूरिस्ट प्लेस इन मुंबई में क्या क्या हमको मिलेगा उसका थोड़ा सा है, रेलवे का काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। हमको ऐसा लग रहा है भैया हम कहीं विदेश में तो नहीं आ गए, बट ये है दोस्तों आमची मुंबई। अच्छा लग रहा है दोस्तों। मुंबई का रेलवे स्टेशन काफ़ी पुराना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, तब से बस सेम डिज़ाइन है, बस रिनोवेशन होते रहता है। मुझे तो काफ़ी पसंद है और ये भी देखने लायक है, ये है मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय। और हमारा वे है अभी हमारे दीदी के घर तरफ, और 26 जनवरी की परेड भी दोस्तों हमको देखने मिल गई, काफ़ी अच्छा लगा। दीदी का घर रेलवे स्टेशन से काफ़ी पास था, नज़दीक था, हम वहाँ गए, थोड़ा रेस्ट किया और वहाँ से निकले हम मुंबई एयरपोर्ट के लिए। और हम पहुँच गए छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़े एरिया में ये बना है। तो हम दोस्तों पहुँच गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, आमची मुंबई। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं मुंबई के एयरपोर्ट में। यहाँ से हमारी फ़्लाइट है 3 बजे की। फ़्लाइट होने के बाद हम लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट में उतरने के बाद हम होटल जाएंगे। तो यहाँ हम थोड़ी रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। बहुत टायर्ड फील हो रहा है क्योंकि हमारी ट्रेन की जर्नी भी बहुत हो गई है। दीदी क्या रुके वहाँ पे, एक्चुअली ब्रेकफास्ट कम लंच वहीं पे हो गया हमारा। यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करते हैं, एक आध नींद भी ले लेते हैं, फिर तो भैया बाग दौड़ है। दोस्तों मुंबई का एयरपोर्ट अपने आप में एक मिसाल है। मिसाल इसलिए है कि ये इंडिया का 2nd नंबर का सबसे बिजेस्ट एयरपोर्ट है। एशिया की बात करें तो इसका रैंकिंग 14 है और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो 28 रैंक है। और इसने एक माइलस्टोन ऐसा कंप्लीट किया है 9 दिसंबर 2018 को, एक साथ 1007 एयरक्राफ्ट का लैंडिंग इसने रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो दोस्तों अगर एरिया वाइज बात करेंगे तो 1850 एकड़ का एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में ये स्थित है और बिजिएस्ट है, बट यहाँ पे पहुँचने का रास्ता बहुत आसान है। और इंटीरियर की बात करेंगे दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे मॉल मिल जाएंगे, शॉप मिल जाएंगे, ब्रांडेड ड्रेस से लेके वाइन से लेके व्हाटएवर यू वांट यू कैन बाय फ्रॉम हियर इजीली। तो हमारा जो गेट है वो है 44A। अभी बस कुछ नहीं चालू है, मुंबई का दर्शन चालू। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है बैक में, बहुत बेटर लग रहा है। थोड़ा सा चलेंगे, घूमेंगे, कुछ खाएंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों गेट नंबर 44A हमको मिल चुका है। ये रहा हमारा गेट, यहाँ से ही हमको जाना पड़ेगा। और काफ़ी अच्छा एक ड्रैगन बना है यहाँ पे। मुंबई का एयरपोर्ट अच्छा लगा है, बाकी मैं कलकत्ता, नागपुर और बाकी बेंगलोर वगैरह भी देखा हूँ, बट एट्स कंपेरिजन टू अदर स्टेट आई थिंक मुंबई का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और
काफ़ी एडवांस हो चुका है, दोनों में बहस छिड़ी है। ये काव्या बोल रहे कि कलकत्ता का एयरपोर्ट मुंबई से बेटर है करके, लेकिन मुझे नहीं लगता भैया आम जी मुंबई, कलकत्ता का भी एयरपोर्ट अच्छा है बट मुझे मुंबई का एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों एक और माइलस्टोन इस एयरपोर्ट ने कंप्लीट किया था, वो था उसको अवार्ड मिला था वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2017 में। रिकॉर्ड ऐसा था कि 40 मिलियंस लोगों को इस एयरपोर्ट की टीम ने हैंडल किया था और काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। तो दोस्तों बोर्डिंग पासेस हमको मिल चुकी है, हम जा रहे हैं स्पाइस जेट से, बहुत एक्साइटेड है कि भैया कब कब गोवा पहुंचेंगे और कब कब हमारी लैंडिंग होगी। अभी तो टेक ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ से हमको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, फ्लाइट थोड़ी सी डिले थी बट नो प्रॉब्लम भैया, इतना तो चलता ही है। सीट में बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा बाहर का व्यू देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी। गोवा में हमने लैंडिंग कर ली है, थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा, बहुत थोड़ा सा ही मैंने फुटेज लिया है बट हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिंपल लग रहा है, ऐसा एकदम बल्की टाइप का नहीं लगेगा बट हाँ वी आर एट गोवा नाउ। बेल्ट नंबर 2 में हमारा लगेज आया, अभी हम लगेज का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा थे, ज़्यादा इसलिए थे कि ये जो सीज़न में हम लोग गोवा टूर में गए थे बहुत सारे लोग यही सीज़न में आते, और ये आ गई है हमारी बैग। दोस्तों हमने हमारी बैग ले लिया है, बैग लेने के बाद हमने यहाँ से ऑर्डर किया है गोवा माइल्स का। गोवा माइल्स का एक एप्लीकेशन रहता है, यहाँ उबेर और ओला बाकी कैब यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ की जो लोकल टैक्सीज है वही से उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। यहाँ से हमको जाना है कलिंगगढ़ और कलिंगगढ़ का चार्जेस हमको लग गया है लगभग 1100 रुपीज़, बट हाँ वर्थ है। यहाँ से हम निकल लिए हैं होटल के लिए, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, रात में भी गोवा काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रहा मांडोवी रिवर, यहाँ पे बहुत सारे कैसीनोस क्रूज ये सब देखने मिल जाएंगे। ये रहा पणजी टू गोवा, नॉर्थ गोवा का जो है एक लैंडमार्क है, चर्च है, चर्च का नाम मुझे पता नहीं, और हम पहुँच गए हमारे होटल में। होटल काफ़ी अच्छा लग रहा है, पॉश लग रहा है भैया, मैं तो बस सोने की इच्छा रखता हूँ, देखते हैं सोएंगे कि क्या करेंगे, पहले तो व्यू दिखा दूँ आपको। ये है हमारा मिरर और कलर बहुत अच्छा है हमारा भी, मिरर का भी। होटल का नाम है रिवासा कंफर्ट, और एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ वो आपको, मुझे होटल काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत इस मतलब सब सुविधा मिला है। दोस्तों हम लोग हो गए फ्रेश और हम लोग आ गए हमारे रूम में, रूम काफ़ी अच्छा है रिवासा कंफर्ट करके, हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना अच्छा रूम हमको मिल जाएगा बट हाँ मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा रूम है। और काव्या भी हो गई है रेडी, मैं भी हो गया हूँ रेडी, अभी हम जाने वाले हैं नाइट वॉक के लिए। होटल ने हमको बताया है कि वॉकिंग डिस्टेंस में कलिंगगढ़ बीच है, ज़्यादा दूर जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, तो अभी हमारा टूर होने वाला है मिनी टूर कलिंगगढ़ बीच का, और वहीं पे जाके हम डिनर करने वाले हैं। तो दोस्तों जो एरिया में हमने होटल लिया था वो एरिया का नाम है कलिंगगढ़ बस स्टॉप, और यकीन मानो दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत पास में ही सब कुछ मिल गया है, छोटा सा मार्केट, मार्केट काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग बस निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप बाजू में मार्केट है, और जो होटल में हम लोग रुके उन्होंने बताया कि बस वॉकिंग डिस्टेंस से यहाँ से 2 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस करना पड़ेगा पैदल। तो दोस्तों हम आ गए हैं कलिंगगढ़ बीच के पास, और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको, वाइन शॉप्स मिलेगी, टैटू कॉर्नर्स मिलेंगे, स्पास मिलेंगे, और ये रहा हमारा कलिंगगढ़ बीच का व्यू नाइट टाइम में, इंटरेस्टिंग है भैया। हम तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं कलिंगगढ़ बीच पे, बहुत अच्छा लग रहा है और नाइट का सीन है और बेटर फील हो रहा है। काव्या बोल रही लहरें बहुत अच्छी दिख रही है रात के समय, मैं आपको थोड़ा लहरें भी दिखा देता हूँ।
दोस्तों माइक लगाने के भी बाद रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है क्योंकि डीजे का कराओके का साउंड बहुत ज़्यादा था। हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट डिनर का प्लान किया क्योंकि हम थक गए थे। मुझे होटल बहुत अच्छा लगा है, लिफ्ट सीन थोड़ी चेंज हो गई बट नो प्रॉब्लम, बहुत मज़ा किया यहाँ पे। फैमिली रेस्टोरेंट है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा पब टाइप का कुछ सिस्टम नहीं है। होटल का नाम है रत्न सागर और यहाँ का खाना ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा सा गाना भी गा लिया मैंने। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे पता है मैंने बहुत बेसुरा गया है बट हाँ मैं सोचता हूँ बेसुरा में भी सुर तो है भैया, इंजॉयमेंट तो बनेगा। और गोवा में आए और गाना नहीं गाया तो भैया गोवा का टूर कंप्लीट कैसे होगा। तो यहाँ पे भैया और भाभी का कपल हमको मिल गया था, अपने बच्चों के साथ आए थे और बहुत इंजॉय किया उन्होंने और हमने भी उनके साथ बहुत इंजॉय किया है। मैं तो चाहता हूँ कि सिंगल इंजॉय करने से बेटर अगर आपको कोई कपल या फैमिली मिल जाती है तो उनके साथ लग जाओ और पूरा मस्ती और पूरा मजा गोवा का उठा लो। थोड़ा सा हमने यहाँ पे ठुमके भी लगा लिए, थोड़ा डांस भी कर लिया, हमारा मजा भी आ गई हमको और जितना भी दिन भर का टायर्डनेस था पूरा टायर्डनेस दोस्तों यकीन मानिए हमारा उतर चुका है। दोस्तों डांस होने के बाद हम लोग आ गए हैं वापस से बीच में और थोड़ा सा बीच का नज़ारा लेंगे, थोड़ा यहाँ बैठेंगे रुकेंगे एंजॉय करेंगे। आजू बाजू में थोड़ा सा शोर भी चालू है बट हम लोगों ने थोड़ा दूर का एरिया देखा था, थोड़ी सी शांति मिल रही है और रात में हम लहरों का पूरा मज़ा ले पाए। आप भी ऐसे ही कोई जगह अगर कपल के साथ आते हो फैमिली के साथ आते हो तो कोई अच्छी जगह बैठ के देख के आप वहाँ पे बैठ जाइए और पूरा एंजॉय कीजिए, पूरा लहरों का मज़ा लीजिए और नेचर का पूरा मज़ा लेके गोवा का आनंद उठाइए।